नेवला और किसान की पत्नी। बहुत समय पहले एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे और उनके साथ उनका एक छोटा बच्चा था। बच्चे की सुरक्षा के लिए एक दिन वो नेवला लेकर आए। वो एक अनोखा सफेद नेवला था। वो नेवला बच्चे की अच्छी देखभाल करता था। किसान और उसकी पत्नी उस नेवले को बहुत प्यार करते थे। कुछ महीनों बाद एक दिन ये सोचकर कि नेवला बच्चे की देखभाल कर लेगा, वो अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया। थोड़े समय बाद नेवले के मुंह पर खून देखकर वो बहुत डर गई और उसने बिना सोचे समझे एक ईंट उठाकर नेवले के सर पर दे मारी। लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था और पास ही में एक सांप मरा हुआ था। अब उसको एहसास हुआ कि नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो नेवला तो मर चुका था। नसीहत: जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, जो करना हो वो सोच समझ कर करें। एक बेटी जिसको बाप समझ ना पाया। एक बार एक राजा का सफल साम्राज्य पर शासन था।
उसकी दो प्यारी बेटियां थी। राजा ने कहा, सुप्रभात मेरी प्यारी बेटियों। बड़ी बेटी ने कहा, नमस्कार पिताजी, आप हमेशा राज करें। हर सुबह बड़ी बेटी राजा को शुभकामनाएं देती और छोटी बेटी सिर्फ अपना सर झुकाती थी। राजा इस बात से बहुत नाराज था और उसने अपने मंत्री से कहा, कोई ऐसा वर ढूंढो जो इस राज्य से काफी दूर रहता हो। सिपाही ने कहा, एक राजकुमार है जो राज्य के बाहरी इलाके में एक मंदिर के खंडर में रहता है। राजकुमार एक समृद्ध राज का है, पर उसका शरीर काफी कमजोर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक सांप ने उसके पेट में अपना घर बना लिया था। एक कमजोर राजकुमार का किसी भी राज्य में कोई फायदा नहीं, इसलिए राजा ने उसे दूर भेज दिया। मंत्री ने राजकुमार से अनुरोध किया कि वो छोटी राजकुमारी से शादी करे, जिस पर वो राजी हो गया। जल्द ही नए दुल्हा दुल्हन को कुछ धन देकर उनकी विदाई कर दी। लंबी यात्रा करने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। राजकुमार ने कहा, तुम यहां थोड़ी देर आराम करो, मैं जंगल तक होके आता हूं। जंगल में घूमते समय राजकुमार ने एक सांप को चींटियों के घर से निकलते हुए देखा। राजकुमार ने कहा, कैसे हो? सांप ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है दुष्ट कहीं के? तुम इस प्यारे राजकुमार की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसके पेट में घर बनाकर क्यों बैठे हो? राजकुमार ने कहा, अपने आप को तो देखो, तुमने तो दो सोने से भरे मटके चींटियों के घर में छुपा कर रखे हैं, मक्कार कहीं के। बाहर वाले सांप ने कहा, क्या किसी को भी तुम्हें राजकुमार के पेट से बाहर निकाल फेंकने का आसान तरीका नहीं मिला? तुम्हें सिर्फ काली राय का काढ़ा पिलाना पड़ेगा और फिर तुम कुछ ही पलों में बाहर आ जाओगे। अंदर वाले सांप ने कहा, हाँ, और तुमको चींटियों के घर से बाहर निकालने के लिए उनके घर पर सिर्फ गर्म पानी डालना पड़ेगा। राजकुमारी ने यह सब सुना और उसके हिसाब से ही उसने वैसा किया। ऐसा करके उसने राजकुमार को ठीक कर दिया और दो सोने से भरे मटके उसके हाथ लग गए। और उसके बाद दोनों हमेशा खुशी से साथ रहने लगे। नसीहत, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो। कुम्हार का सच। एक बार एक छोटे गांव में एक कुम्हार रहता था। उसका नाम था गंशु। वो स्वभाव से सच्चा था, पर उसकी कमजोरी चावल की शराब थी, जिसका नाम ताड़ी था। एक दिन जब उसने ज्यादा ताड़ी पी ली थी तो वो ठोकर खाकर मटकों पर गिर गया। अब मटके के टूटे टुकड़े से
उसका माथा फट गया। उसे गांव के हकीम के पास लेकर गए। कुछ महीनों बाद गंशु को शाही महल में रक्षक की नौकरी मिल गई। राजा ने गंशु के माथे पर बड़ा निशान देखा और ये सोचा, हो ना हो ये आदमी जरूर योद्धाओं के परिवार से है, क्योंकि उसके सर पर तलवार का घाव है जिससे भयानक निशान पड़ गया है। राजा उसके प्रति दयालु और मेहरबान हो गया। राजा अपने आप को अब और रोक नहीं पाया। उसने गंशु से पूछा, जरा मुझे बताओ तुम किस योद्धा के परिवार से हो, क्योंकि ये निशान तुम्हारी बहादुरी का सबूत है, और किस लड़ाई में तुम्हें ये चोट लगी। गंशु ने कहा, राजा जी मैं तो सिर्फ एक कुम्हार हूं, कोई योद्धा नहीं। ये निशान तलवार का नहीं है। ये चोट तब लगी जब मैं ताड़ी के नशे में मटके से ठोकर खाकर गिर गया। राजा के मन को ये बात छू गई और राजा ने कहा, अब तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो, क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुमने अपनी असलियत छुपाई नहीं। तुमने अब तक जो भी पाया वो सब कुछ खो सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी नियुक्ति पक्की करता हूं और तुम्हें पदोन्नति देता हूं। नसीहत, फायदे के लिए अपनी सच्चाई मत छुपाओ।